अभी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, अरे जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अभी अभी चंद घंटों पहले समाचार आए हैं कि कश्मीर के पुलवामा में उन हरामजादे आतंकवादियों ने हमारे 40 से ज्यादा जवानों को मार दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं यहाँ आज कोई साहित्य की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ अपना प्रमोशन करने नहीं आया, अरे यहाँ दर्द होता है सर, इसलिए आपके सामने आया हूँ। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 72 सालों में करोड़ों लोगों से एक छोटी सी समस्या का निवारण नहीं निकल रहा, और ये न्यूज चैनल पर बैठे व्हाइट कॉलर वाले लोग अभी भी बातें ही कर रहे हैं। मंत्रणा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यूएस पर सवाल उठाने चाहिए, यूएन को कहना चाहिए, अरे फाड़ में गए ये दोनों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमला हमारे देश पर हुआ है, जवाब भी हमें ही देना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके परिवार से कभी कोई लौंडा गया है बॉर्डर पर? बातें करते हैं बड़ी बड़ी, अरे पूछना ही है तो उन शहीदों के परिवारों से पूछो कि जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपना पति खोया है, जिसने अपना बाप खोया है, तब आपको पता चलेगा कि उन परिवारों का दर्द क्या होता है। 10-10 डिग्री भी अगर ठंड पड़ जाए तो आपकी उंगली सीधी हीटर की स्विच पर जाती है। अरे मैं सलाम करता हूँ हमारी इंडियन आर्मी को, जो ठिठुरती ठंड में भी कश्मीर की बॉर्डर पर हमारे देश के लिए लड़ रही है। मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, सर नहीं उड़ान नहीं चलानी उनके बॉर्डर पर तोपे, नहीं उड़ाने उनके पंकर, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए सर, हमें उन कुत्तों के सर धड़ से अलग चाहिए। आप ही का फायदा है सर, चुनाव आ रहे हैं, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, जनता आपको भर भर के वोट देगी। और मैं एक बात देश के युवाओं से भी कहना चाहूंगा, आज की ये हमले की डेट याद रखना, 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, भाड़ में गया वैलेंटाइन डे, अगले साल मेरे साथ उन 40 जवानों की याद में और कुछ करो या ना करो, लेकिन एक एक पेड़ जरूर उगाना। कश्मीर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, 13,000 से भी ज्यादा जवान आज तक शहीद हुए हैं, 7,000 से ज्यादा महिलाएं विधवा हुई हैं, 13,000 माओं ने अपने बेटे खोए हैं। मैं उन पॉलिटिशियनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको तब टॉलरेंस या इनटॉलरेंस याद नहीं आता? क्या तब आपको अवार्ड वापसी या पुरस्कार वापसी याद नहीं आती? क्या तब आपको धरने या रैलियां याद नहीं आती? मैं देश के उन तमाम पॉलिटिशियनों से कहना चाहता हूं कि मैं चल नहीं सकता, मैं अपाहिज हूं, लेकिन मेरा खून का एक एक खतरा आज भी भारत माता के लिए है। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो मेरे शरीर पर बॉम्ब बांधकर मुझे उन आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर फेंक दीजिए। छाती ठोक कर कहता हूँ, 100 लोगों को मारकर मरूंगा और जबान पर एक ही बात होगी, भारत माता की जय, जय हिंद।